हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस नेता त्रिलोचन सिंह की माता के निधन पर उनके परिवार का ढांढस बंधाया। बता दें कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता की माता का स्वर्गवास हो गया था, जिसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल त्रिलोचन सिंह के मॉडल टाउन स्थित आवास पर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति देने के लिए भगवान से प्रार्थना की। दूसरी ओर मुख्यमंत्री रामनगर में हरीश अरोड़ा के निवास पर पहुंचे। बता दें कि रात को ही उनका अचानक देहांत हो गया था। मुख्यमंत्री ने उनके निवास पर जाकर परिवार को सांत्वना दी और उनका ढांढस बंधाया। गौरतलब है कि सरदार त्रिलोचन सिंह की माता का गत दिनों निधन हो गया था। वह लगभग 108 वर्ष के करीब उम्र पार कर भगवान के चरणों में विलीन हो गई थी। उनकी माता के निधन पर विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक संस्थाओं के अलावा गणमान्य व्यक्ति शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी सरदार त्रिलोचन सिंह के निवास पर पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद, जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि संजय भटला, गुरविंदर सिंह धमीजा, शमशेर नैन, अमित ठक्कर, दर्शन सहगल, अजय मलिक व प्रीतपाल सिंह पन्नू मौजूद रहे। जो माता जी उनके स्वर्गवास में 108 वर्ष की आयु थी और माननीय मुख्यमंत्री के सामने विधानसभा का चुनाव भी है, त्रिलोचन सिंह जी लड़े थे, लेकिन दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एक सामाजिक धारा भी होता है, सुख दुख में शरीक होना, क्योंकि मुख्यमंत्री जी करनाल के विधायक भी हैं और सबके दुख सुख में शरीक होते हैं। उसी नाते से आज वो आज त्रिलोचन सिंह जी के यहाँ शोक करने के लिए पहुँचे और मैं लगता हूँ ये एक अच्छी परंपरा, इसका अच्छी परंपरा का निर्वहन है। राजनीति का स्थान अलग होता है और सुख दुख में शामिल होना एक अलग बात है। तो करनाल जो दानवी राजा कर्ण की धरती है, वो अपना सामाजिक कारणों के कारण जानी भी जाती है और ऐसी जो शीर्ष नेतृत्व कर रहे हों, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, उनका यहाँ आना अपने आप में एक बड़ी बात है। जिस प्रकार त्रिलोचन सिंह जी ने भी कहा कि दलगत राजनीति छोड़ करके अगर मुख्यमंत्री जी अफसोस करने के लिए आए हैं तो उनको भी, उनके परिवार को भी ये चीज़ें अच्छी लगी हैं। और ऐसा ही है, हमारा जो हिंदू संस्कृति है, हमारे चाहे वो सिख समाज हो चाहे कोई और समाज हो, तो उसमें इस प्रकार के सुख दुख में शरीक होना और ऐसे मौके पर शरीक होना जब परिवार का बुजुर्ग जाए, तो मैं कहता हूँ इससे समाज में भी एक अच्छा संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.